हैं सागर रोड पर, सबसे व्यस्त रोड है ये। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर आवारा मवेशी बैठे हुए हैं। यहाँ से आप चौराहे तक चले जाइए, आपको आवारा मवेशी मिलेंगे। हालांकि नगर पालिका इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रही है कि वह इन मवेशियों को भरकर गौशाला तक छोड़ दे, लेकिन होता यह है कि जो मवेशियों के मालिक हैं वह उनसे हुज्जत करते हैं और अपने मवेशी छुड़ा लेते हैं वो मवेशी। और ये हमें सूत्र बताते हैं कि गौशाला वाले भी उन मवेशियों को वहाँ से छोड़ देते हैं और वह मवेशी फिर आकर इन सड़कों पर बैठ जाते हैं। जिला कलेक्टर के स्पष्ट आदेश हैं कि पशु मालिकों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसे कारण रहते हैं कि उन पशु मालिकों पर कार्रवाई हो नहीं पाती है। इसकी वजह से लगातार ये पशु यहाँ बैठे रहते हैं और दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। अब देखना यह है कि उन पशु मालिकों पर क्या कार्रवाई होती है। मैं आवाज़ न्यूज़ से राकेश जैन राय से। ऐसा दिन भर ट्रैफिक में परेशान करती और सामान भी खा जाती, आम भी खा जाती, केले सब सामान खा जाती। दिन भर बैठे रहते हैं ये सुबह से लेकर रात को 10 बजे। नगर पालिका वाले नहीं आते? आते हैं, भर के ले जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं। में 3-4 बार पहले भर के ले जा चुके हैं गाड़ी, वो फिर आ जाते हैं घूम फिर के सब बात। किसी गलती मानते हो आप? वो तो शासन के ऊपर ही, उन्हें सब भर के ले जाए डबल से, या कहीं पे ऐसी जगह व्यवस्था जमा दें कि ये रोड पे ज़्यादा ना बिक। परेशानी इतनी हो रही है कि रात में दिन में निकलते हैं, जानवर हटते नहीं, उठाए तो नहीं जाते, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। दो बार तो मेरी बच्चों का गाय भैंस। नगर पालिका इतने लोग रखे हैं, वहाँ लिस्ट लगी हुई है नगर पालिका में जानवर हटाने के लिए, नियुक्त कर रखे नहीं, एक भी नहीं दिखता कहीं सड़क पर, कहीं एक भी दिख रहा हो कोई जानवर को हटा दे। रोज का काम है, डेली नगर पालिका के सामने भी घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, कलेक्टर साहब के बंगला के सामने घूम रहे हैं, लेकिन कोई हटाने वाला कोई सुन नहीं। जब कलेक्टर साहब के निर्देश हैं जिनको जानवर हटाने की गौशाला हो जाए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ होते हुए कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा। क्या नाम है? अब दीक्षा।